How to fix cannot display PDF invalid format problem। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा जब हम PDF को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर जो है इस प्रकार से एरर आता है, इस प्रकार से लिखा आता है cannot display PDF। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए इसमें दो प्रकार के दो रीज़न होते हैं जिस कारण हम जो है PDF वगैरह नहीं देख पा रहे, दोनों ही रीज़न मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहला रीज़न ये होता है कि जब हम PDF पर, मान लीजिए आपने PDF जो है गूगल क्रोम से डाउनलोड की है किसी क्रोम ब्राउज़र या फिर अन्य किसी ब्राउज़र से, तो होता क्या है कि हम यहाँ पर आते हैं डाउनलोड वाले पेज में या फिर वहाँ से डाउनलोड होने के बाद डायरेक्टली हम उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो वहाँ पर ये बताता है कि यू कांट ओपन द फाइल या फिर PDF यहाँ से ओपन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर वो बताता है अगर हम डायरेक्टली क्रोम से करते हैं, लेकिन आपको करना ये होता है कि आपको वहाँ पर ओपन नहीं करना है, क्रोम ब्राउज़र से डायरेक्टली उसको ओपन नहीं करना है, आपको अपने फाइल मैनेजर में आना है एंड देन यहाँ से आपको जो है उसे ओपन करने की कोशिश करनी है। जहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है यहाँ पर है अगर, तो आपको यहाँ से इसे ओपन करना है। मान लीजिए हमारे पास इस तरह की एक PDF है, अगर मैं इसे यहाँ से ओपन करूँगा तो ये हो जाती है, ये भी यहाँ से ओपन हो जाएगी, लेकिन यही PDF अगर मैं क्रोम ब्राउज़र पर डाउनलोड होते ही उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वहाँ से वो डाउनलोड होने के बाद ओपन नहीं होती है। ठीक है, ये पहला मसला आता है काफ़ी केसेस में कि डायरेक्टली जहाँ से हमने PDF डाउनलोड की या फिर अगर हमें जीमेल वगैरह पर आती है तो वहाँ से, या फिर हमें व्हाट्सएप के थ्रू PDF की कोई आती है तो हम डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं एंड डायरेक्ट ओपन भी करते हैं एंड उस केस में वहाँ पर वो ओपन नहीं हो पाती है। तो आपको डायरेक्टली मतलब अपना जो है फाइल मैनेजर है वहाँ पर आकर उसे ओपन करना है, यहाँ से ओपन हो जाती है। ठीक है, किसी किसी मसले में ये होता है कि हम फाइल मैनेजर से भी PDF ओपन ना कर पाए, तो उस केस में मैं आपको बताता हूँ। देन आपको ये समझ लेना है कि आपके जो फ़ोन है उसमें फाइल जो PDF को व्यू मतलब PDF को देखने का जो एप्लीकेशन आता है एडिशनल एप्लीकेशन, वो आपके फ़ोन में नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे फ़ोन में आपको ये मिल जाता है, लेकिन किसी किसी डिवाइस में जब कंपनी डिवाइस बनाती है तो उसमें PDF व्यूवर्स को ऐड करना भूल जाती है, नहीं करती है, यानी कि आप उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशन आता है PDF देखने का वो आपको नहीं मिला है। तो उस केस में आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है, यहाँ पर फाइल व्यूअर फॉर एंड्रॉयड जैसा एप्लीकेशन आपके लिए बनाया गया है जिसमें आप PDF को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, इस इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक कर लीजिए, देन आपको यहाँ से जो है जो भी PDF वगैरह है वो आपको यहाँ से देखने को आराम से मिल जाएगा, सभी प्रकार के PDF आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करवा लीजिएगा।